एक सेकंड, ये बॉम्ब किसने फिट कर रखा है भाई साहब? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, ये बॉम्ब किसने फिट किया? गाइस तुम मेरे छोटे भाई हो के मेरे अपने बड़े भाई से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? अरे शिनचैन चौ, मैं तुम्हारे लिए खाना पीना लाया हूँ। अरे जाओ ना, खुद खा लो, फूटो यहाँ से, फूटो यहाँ से। ओए शिनचैन, तमीज में बात कर ले, तमीज में हमें मुझसे कहो। अभी ये कह रहा था मेरी बाइक में ये बॉम्ब किसने फिट किया? हाँ हाँ, मैंने ही वो बॉम्ब फिट किया था। अरे हाँ, चले जाओ यहाँ से, अब कभी बताना। और भाई साइमन, धन्यवाद भाई, तूने हमारी गाड़ी दिलवा दी। अरे अरे फ्रैंकलिन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कोई बड़ी बात क्यों नहीं है भाई, तूने दिलवा दी, जो कोई नहीं कर पाया तूने कर दिया। ओ भाई साहब, और चौप कैसा लग रही है गाड़ी? भाई साहब कल कतई जो है, और भाई साहब मेरे रंग से भी बहुत काली है ये तो। अबे हाँ भाई हाँ, बोले कि कल तेरे से मैच कर रही है। ए बकवास कम कर। अरे फेंकली भैया, वैसे ना बहुत सही चल रही है ये तो। अबे भाई साहब तुम्हें पता ही क्या भाई, स्पोर्ट्स मॉडल है और गाइस ये ना अलग ही भक्ति है। अब भाई साहब मेरे को तो लग रहा है उड़ रही है। अबे हाँ भाई उड़ ही रही है भाई साहब यार अलग ही। फ्रैंकलिन भैया, अबे हाँ भाई साहब यार, काला रंग ले लिया तो इसका मतलब टशन जाड़ेगा। अबे और नहीं तो क्या, काला रंग टशन के लिए तो होता है गाइस, होता है नहीं होता गाइस, कमेंट करके जल्दी बताना। अरे हाँ गाइस, फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ, वैसे आपने हमें कहाँ से उठाया था? अबे शिनचैन तू छोटा सा था भाई, जब मैं देख रहा था तू रो रहा था भूख के मारे, तो यार मैंने तेरे को तब उठा लिया था। बाबे शिनचैन भाई, मैं भी भूखा था तब इसने उठा लिया था भाई, लामार मेरे को छोड़ रहा था, भूखा भूखा छोड़ रहा था, तब इसने मुझे लेके आ गया था। अबे हाँ भाई, तुम्हें तभी लेके आया। फ्रैंकलिन भैया वैसे आप हो तो बड़े अच्छे। अबे वाह, तारीफ पहली बार। अरे यार मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे हो। अबे वो तो मैं हूँ यार, क्या तारीफ कर रहा है शिनचैन तू मेरी। भाई जहाँ पे कल हुए तेरी तारीफ कर दी तो इसका पता तू ऐसे उड़ने लग जाएगा। क्यों उड़ूंगा नहीं, वैसे कम कम तो तुम तारीफ करते हो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया वैसे नहीं यार, दिल के अच्छे नेचर के इंसान हो, दिल के अच्छे नेचर के इंसान हो। वाह वाह वाह, क्या क्या बात बोलता है तू शिनचैन। अरे अरे मतलब बहुत अच्छे इंसान हो। अब आप कल भाई साहब यार, तूने मेरे को भी यार अपना घर में यार पना दी। भाई साहब यार तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम्हें तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अबे तुम छोड़ भी नहीं सकते हो, जाओगे भी तो जाओगे कहाँ? अरे यार फ्रैंकलिन भैया नहीं जा सकते ना। हाँ पता है यार, नहीं जा सकते। ओके सो गाइस, चलो हम चलते हैं। अबे यार घर का रास्ता भूल गया हूँ मैं यार, तो यार याद रखना चाहिए था ना। अबे नहीं नहीं, याद आ गया याद आ गया। ओके सो गाइस, यहाँ से मेरा घर का रास्ता है। भाई साहब यार ये बड़ी तेज चलती है। हाँ भाई बहुत तेज चलते हैं गाइस। वैसे आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है ओपी कमेंट कर देना। अरे हाँ गाइस, कार ओपी कमेंट कर देना गाड़ी के लिए। सो गाइस, ओ शिट। अरे यार क्या करते हो? अबे यार मैंने गाड़ी ठोक दी। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ठीक है भाई, ठीक है ना, चुपचाप से अब आ जाते हैं। बाबा भाई साहब कल हुए मैं भी आ रहा हूँ। अरे हाँ भाई आ जाते, को किसने मना किया? चौ अबे यार गैरेज बंद हो जाएगा फिर, ये लोग आ नहीं पाएंगे, वो गैरेज मेरी वजह से ही खुलता है। अब बताओ क्यों नहीं आने दिया मुझे? अरे चलना भाई शिनचैन यार, आ जा भाई आ जा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया एक बार बताओ। अबे क्या? अबे आ तो जाओ। हाँ भाई आ गए, भाई आ गए। अबे यार मेरे को ना अभी किसी काम से बाहर जाना है। अरे किस काम से? अबे जाना है भाई, किसी काम से बाहर जाना है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, अबे हाँ फ्रैंकलिन भैया यार, हमारी एक फैमिली फोटो होनी चाहिए थी। अबे हाँ यार होगी, कोई बात नहीं, तुम इमोशनल मत कर रहे यार, सुबह से इमोशनल कर रहे हो यार, इतना प्यार सहन नहीं होता। अबे जा रहा यार अपना काम कर। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे अपना ध्यान रखना। अरे हाँ ध्यान रखेंगे ही। हाँ तो ओके सो गाइस यार मैं चल, अरे यार मैंने अपनी बाइक को गिरा दिया। गाइस मैं अपनी बाइक पे बैठ जाता हूँ आराम से, एक सेकेंड यार आराम से चलता हूँ। अरे ये कौन व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है? अरे अरे इसने तो मुझे देख लिया। अरे भाई कौन हो, इधर क्या कर रहे हो? अरे अरे साहब जी मैं यहाँ पे यार काम करने वाला हूँ। अरे अरे अच्छा भाई घर की सफाई कर जाइयो मेरे भी। अरे साहब जी पूरा चमका दूंगा। अरे भाई साहब यार चलो यार, भिंडी तोरी घिया सब लेने के लिए चलता हूँ भाई साहब, मजा आ जाएगा। ओह रुक जाओ एक सेकंड भाई साहब, ओए रुक जाओ, ओए भाई साहब मजा आता है यार बाइक चलाने में। गाइस आपको भी मजा आता है ना बाइक चलाने में, तो कमेंट करके जल्दी बताना। नहीं भाई पानी में नहीं जानी थी, पानी में क्यों चले गई? फ्रैंकलिन के बच्चे ने अच्छा हुआ मेरे को पहचाना नहीं। अब ऐसा करता हूँ मैं अपने बॉस को कॉल करता हूँ। हेलो बॉस, अरे क्या हाल है? अरे बॉस जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे बता तो सही क्या हो गया? बॉस वो फ्रैंकलिन का बच्चा भाग गया है, अब उसको मार दो। अरे हाँ मार देंगे उसको, लेकिन एक बात बता, शिनचैन चौ क्या घर पे अकेले हैं? हाँ बॉस शिनचैन चौ घर पे अकेले हैं। अरे वाह अभी आता हूँ मैं, अभी मजा आएगा ना, बॉस आएंगे फिर इनको पता चलेगा। चौप भाई, अब आबे शिनचैन, चौप भाई वैसे यार हम फ्रैंकलिन भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं ना। अब आबे क्या भाई है, क्या बात कर रहा है भाई साहब, बहुत प्यार करता है तभी तो भाई उसने हमें गोद ले लिया, वो तो हम उसको भाई ऐसी बेइज्जती करते रहते हैं। लेकिन गाइस यार पता है फ्रैंकलिन से अच्छा कोई बड़ा भाई नहीं हो सकता। है यार चौप, फ्रैंकलिन भैया से अच्छा कोई बड़ा भाई हो ही नहीं सकता यार, मुझे तो नहीं लगता कोई हो सकता है। अरे यार चौप यार हम अपने भैया से बड़ा प्यार करते हैं। अब हाँ भाई मैं भी बहुत प्यार करता हूँ भाई साहब, यार ऐसा कोई नहीं करता आज के जमाने में, और भाई साहब फ्रैंकलिन हमारे लिए इतना सब कुछ करता है। अरे हाँ वही तो चौप यार,
फ्रैंकलिन भैया बहुत सही है। अब भाई गाइस आपके भी बड़े भाई आपसे ऐसे ही प्यार करते हैं क्या? कमेंट करके जल्दी बताना जैसे फ्रैंकलिन भैया हमसे करते हैं। अब सबके ऐसे करते हैं भाई साहब यार, शिनचैन सबके फ्रैंकलिन भैया की तरह ही भैया होता है। गाइस हमें बता दो आपकी भी भैया ऐसे ही है ना? शिनचैन क्या हाल है तेरे? अब भाई साहब शिनचैन किसकी आवाज है? चल वही तो किसकी आवाज है? अरे कौन है? अरे आते हैं मत आओ मत आओ। अरे कैसे ना आए, अभी आते हैं। अरे बॉस यही है शिनचैन चाप। शिनचैन चाप चाप, ये तो वो है फ्रैंकलिन भैया के दुश्मन। अरे अंकल क्यों आए हो इधर? तेरा फ्रैंकलिन को मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों पीछे पड़े हो फ्रैंकलिन भैया के? अबे तुम क्यों पीछे पड़े हो भाई हमारे फ्रैंकलिन भाई के? भाई साहब ऐसे दूर भाग जाओ तुम, हमसे पंगा मत लेना। चाप डर डर के हकलाओ मत चाप, ये लोग हमें कमजोर समझ लेंगे। अब आबे शिनचैन तू सही कह रहा है। तेरे को पता भी है तेरे भाई को हम मारने का प्लान कर रहे हैं। क्यों मारने का क्यों प्लान कर रही हो? तेरे भाई अभी बाइक से बाहर गया है। तेरे भाई की बाइक में हमने बॉम्ब फिट कर रखा है। कब कर दिया? अबे चौप यार ये कैसे लोग हैं? अरे यार फ्रैंकलिन भैया को कॉल लगाता हूँ, फ्रैंकलिन भैया को कॉल लगाता हूँ। फोन रख दे अपना। मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो? अबे तू क्यों कैसे मार रहा भाई उस छोटे बच्चे के? चुप यार तुम्हें भी मार दिया। अबे भाई साहब सिंचा मेरे को मार दिया इस बंदे ने। तुमने मेरे भाई चुप का कैसे मारा, कैसे मारा? ओए बच्चे मेरे से पंगा मत ले। पंगा मत ले, तेरे बड़े भाई को हम नहीं मारेंगे। तेरे बड़े भाई की जान हमारे हाथ में। वो कैसे? बड़े भाई की बाइक में बम हमने फिट किया है। चुप यार उठो, चुप उठो, चुप उठ जाओ ना। अब भाई शिनचैन भाई बहुत बुरा मार दे भाई, नहीं उठा जा रहा। गाइस चुप के पेट पे मार दिया, चुप के पेट में वैसे ही दर्द हो रहा था। तेरे भाई को हम मार देंगे। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बता दो। मैं हम चाहते हैं तुम लोगों की बर्बादी। चुप यार ये लोग क्या कह रहे हैं? अगर तू चाहता है कि फ्रैंकलिन बच जाए तो यार बता, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन यार हमारे फ्रैंकलिन भैया को आप कुछ मत करना। तेरे फ्रैंकलिन भैया का तो रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तूने कुछ किया मैं यार बटन दबा दूंगा यहाँ से। यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही। ओहो आज तो सुहाना मौसम हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे चलने की तो अलग ही मजा आता है यहाँ पे वादियों में। भाई साहब ओए रुक जाओ यार, अभी यार एक सेकंड यहाँ पे पता क्या है कि मैं ना शिनचैन के कच्छे लेने के लिए आया था, लेकिन यार मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के यहाँ कहाँ से पहुँच गया। अरे यार मैंने कच्छों की दुकान की सोची थी यार, पता नहीं कहाँ पहुँच गया यार। पता नहीं यार लोग भी ना गलत गलत रास्ता बता करके ना भटका देते हैं गाइस। अब क्या, अरे तेरी गाड़ी में आवाज आ रही है। मेरी गाड़ी में आवाज आ रही है? मैंने तो गाड़ी नहीं है मेरे पास। अरे तेरी आवाज आ रही है। अबे ये भी बोल के गया, आवाज कहाँ से आ रही है वे? एक सेकंड गाइस आपको सुनाई दे रहा है? सही में मेरी गाड़ी बाइक से आवाज आ रही है मतलब? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है यार? यार ऐसा क्या है बाइक में यार? एक सेकंड ये बॉम्ब किसने फिट कर रखा है? अरे गाइस यहाँ पे किसी ने बॉम्ब फिट करके रखा हुआ है। अरे हम तो वही कह रहे थे। अरे यार मैडम आप यहाँ तक बताने आए, धन्यवाद धन्यवाद। अरे यार मैडम भी आदमी जैसी आवाज लेकर के घूमने लग गई है। आओ भाई साहब, गाइस ये रही बाइक और गाइस मैं इसको ना ब्लास्ट कर देता हूँ। अरे यार किसी और के मार दिया मैंने गलती से। अरे यार मेरे को रुक जाओ गाइस, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। ओके तो गाइस मेरी बाइक तो ब्लास्ट हो गई है। अरे मेरी बाइक ब्लास्ट हो गई, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अरे यार गाइस अब मैं क्या करूँ? अरे लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, अरे लिफ्ट तो दे दो मैम। मैम लिफ्ट चाहिए थी। अरे यार अब कोई देखे, अरे यार आपसे लिफ्ट चाहिए थी। अरे कोई है, कोई है? अरे कोई है सज्जन पुरुष? ओ सज्जन, अरे अरे गाइस यार मैडम 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 लिफ्ट मैडम लिफ्ट मैडम लिफ्ट। अरे सर हो? अरे सर लिफ्ट चाहिए थी। अरे ये कैसी लिफ्ट है? अरे चलना निकल यहाँ से, ये ऐसी लिफ्ट मांगता हूँ मैं। ओके सो गाइस, अरे 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 भाई साहब मार देता। ओके सो गाइस मैं बच गया हूँ। भाई साहब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, ये बॉम्ब किसने फिट किया? गाइस अगर आपको पता है तो यार कमेंट करके जल्दी बताना कि यार ये मेरी बाइक में बॉम्ब कौन फिट कर सकता है। मतलब यार मुझे मारने की साजिश की जा रही है यार, ये कौन कर सकता है यार? शिनचैन चौप के अलावा तो इस बाइक के बारे में किसी को नहीं पता। ये बाइक मैंने नहीं ली है यार शिनचैन चौप। अरे यार नहीं नहीं नहीं, मैं भी गलत सोच रहा हूँ। शिनचैन चौप थोड़ी ना ऐसा करेंगे, छोटे से बच्चे तो हैं हम, थोड़े ये थोड़ी ऐसा करेंगे यार बाइक के साथ। ओके तो गाइस मैं वैसे ना यार घर पहुँचता, पता नहीं यार ये किसने किया था मेरे साथ। गाइस अब तो मुझे डर लगने लग गया कि यार मेरे पे भी मतलब हमला हो सकता है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे भाई को कुछ ना करूं तो तू एक काम कर। बताओ बताओ बताओ। तेरा भाई अब आएगा, उसको घर से बाहर निकाल दियो। मैं ऐसे नहीं कर सकता। अब भाई साहब क्या बच्चे से ऐसा क्यों करवा रहा है? मैं तुम लोगों की बर्बादी चाहता हूँ, मैं तुम भाइयों का प्यार तोड़ना चाहता हूँ।
अरे बॉस ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप। आह मेरे को पता है मैं फ्रैंकलिन को ऐसे ही बर्बाद करूंगा। आप बताओ मैं नहीं करेगा तो मैं अभी बटन दबा देता हूँ। अरे नहीं 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 बटन मत दबाना। आप बताओ तो सही क्या हो गया है, तो सही मेरे को क्या करना है। फ्रैंकलिन को ठुकरा दियो कि वो तेरा भाई है, फ्रैंकलिन को इस घर से बाहर निकाल दियो। हमारे फ्रैंकलिन भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं, आप ऐसा मत करवाओ ना। अबे भाई साहब सिंचन ये ऐसा क्यों करवा रहा भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। चलो प्यार हम फ्रैंकलिन भैया से गंदा व्यवहार बर्ताव नहीं कर सकते। तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को फ्रैंकलिन से इतना गंदा बर्ताव करना पड़ेगा कि यार फ्रैंकलिन खुद ही तेरे से रिश्ता तोड़ के चले जाए। मैं कर दूंगा। अरे अरे ना अच्छे से करना, अगर तूने कुछ भी गड़बड़ करी तो तुझे तो पता ही है फ्रैंकलिन को तो मैं जान से मार ही दूंगा। अब भाई साहब जैसा तू बोल रहा भाई वैसे ही करेंगे सिंचन। जी अंकल आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही करेंगे हम। गुड, अरे अरे गुड। अंकल आप ऐसे ऐसा क्यों कर रहे हो यार, फ्रैंकलिन भैया हमारे बड़े प्यारे भैया हैं, उन्होंने हमें अपनी घर में जगह दी है। लेकिन तू उसे घर से बाहर निकालेगा तो फ्रैंकलिन का दिल टूटेगा, और जो दिल टूटेगा तब मुझे मजा आएगा। चुप देख रहे हो ना। अब ऐसे चाहे जैसा वो बोल रहा है वैसा कर भाई, तेरे को फ्रैंकलिन की अगर जान तेरे को प्यारी है तो। चुप, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई। अब यार सिंचन कुछ भी हो गई हो, फ्रैंकलिन को यार बचाना है तो ऐसी करना पड़ेगा। मेरी सिंचन मेरी बात मान ले, तेरे लिए भला रहेगा। ठीक है आप जैसे बोल रहे हो वैसे मैं करूंगा। हम इस घर के बाहर है, हम इस घर के बाहर नजर रखे हुए हैं, अगर तूने फ्रैंकलिन के आने के बाद ऐसा नहीं किया तो देख ले फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है अंकल, ठीक है आप जैसे बोलो वैसे ही होगा। आजा। अब मजा आएगा ना, फ्रैंकलिन की बर्बादी ऐसे ही करनी पड़ेगी। अरे अरे बॉस आपने तो बहुत अच्छा कर दिया। अरे मैं ऐसा ही करना चाहता था, फ्रैंकलिन को मैं ऐसे ही बर्बाद करूंगा। चल आजा ऊपर से हम देखते हैं। बस यार अब मैं जल्दी से घर पहुंचता हूँ और देखता हूँ यार ये किसने किया। मैं सिंचन चौक को बताता हूँ, सिंचन चौक को यार अगर कुछ भी भनक होगी ना गाइस। लेकिन यार ऐसे यार कोई बॉम्ब तो फिट किया नहीं होगा, लेकिन यार मुझे लग रहा है सिंचन चौक और मैं बाहर गए थे तब किसी ने यार ये बाइक बाहर खड़ी थी तो बॉम्ब फिट कर दिया होगा। गाइस चल के पूछता हूँ, सिंचन चौक क्या हाल है? अरे ठीक है हम, बताओ क्या काम है आपको? अबे ऐसे कैसे बात कर रहा है? अबे क्या है कल हुए टाइम क्यों होटी कर रहा है, बता रहा क्या काम है? अबे भाई तुम मेरे छोटे भाई हो के मेरे अपने बड़े भाई से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? अबे जा रहा कल हुए अपने जो भी काम है बता दे। अबे सिंचन चौप यार तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अरे बताओ ना यार दिमाग खराब मत करो। अरे गाइस मेरे छोटे भाई मुझसे ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अरे सिंचन चौप मैं तुम्हारे लिए खाना पीना लाया हूँ। अरे जाओ ना खुद खा लो, फूटो यहाँ से। ओए सिंचन तमीज में बात कर ले। ओ तमीज में हमें मुझसे कहो, अभी बता दिया ना। अब भाई साहब से फ्रैंकलिन भाई एक बार मेरा काट दिया ना ऐसे भक्ता फिरेगा तू। पर यार चौप तू मेरे पे भौंक रहा है, चौप बाबे भौंकूंगा नहीं। ई चौप भौंको क्या काट भी दो इनके। यार कैसे बात कर रहे हो यार? भाई साहब मैं तो तुम्हारी हेल्प मांगने आया हूँ। अरे जाओ ना हेल्प भी मांगते रहोगे, किस चीज की हेल्प मांगने आए हो? कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं बताओ जो भी है। मैं बस ये कह रहा था मेरी बाइक में ये बॉम्ब किसने फिट किया। हाँ मैंने ही वो बॉम्ब फिट किया था। तूने बॉम्ब फिट किया था? अरे हाँ मैंने बॉम्ब फिट किया था। अबे मैं बॉम्ब लेकर के आया था और भाई साहब सिंचन ने वो फिट किया था। अबे लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया यार चौप सिंचन? भाई तुम मेरे छोटे भाई होकर के, अरे यार तुम भूल गए अभी तो तुम मेरे से प्यार की बातें कर रहे थे, मेरे को इमोशनल कर रहे थे, और यार अब तुमने ऐसा कर दिया। अरे हाँ ऐसा किया है, अब क्या है निकले यहाँ से। यार सिंचन तूने ऐसा क्यों किया भाई? गाइस मेरे छोटे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अबे जा रहा कर दिया ना दिमाग खराब मत कर। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग? फ्रैंकलिन चले जा चुपचाप से यहाँ से, दिमाग खराब मत कर, अब ये तेरा घर नहीं रहा है। यार एक बात बता, मेरा घर नहीं रहा है क्या मतलब है? और ऊपर से एक बात बताइए, तुम मेरे को मारना चाहते हो? मेरे में तुमने बॉम्ब इसलिए फिट कर रखा था, रिमोट किसके पास था वो बॉम्ब का? कहीं वही रिमोट नहीं था, थोड़ी देर बाद वो खुद ही फट जाता और तुम मर जाते। चौप अबे तू मर जाता, हम तो चाहते ही है तू मर जाए। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो भाई, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? फ्रैंकलिन भैया कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन यार हमें ये करना पड़ रहा है। चौप तू बता भाई मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अबे चौप भाई मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा? अबे भाई फ्रैंकलिन तूने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन भाई फ्रैंकलिन अब क्या ही करे यार मजबूरी है। अबे बोल ना चौप बोल। अब जा अबे क्या बोलूं मैं तेरे से, भाई साहब पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है हमारी, अब तू निकल जा यहाँ से फ्रैंकलिन, अब तू हमारे घर से निकल जा भाई साहब, अब तू हमारा भाई नहीं रहा। यार तुम मेरे को मारना चाहते थे? अरे हाँ तेरे को हम मारना चाहते थे फ्रैंकलिन। तेरे को सिंचन? अरे हाँ तेरे को हम मारना चाहते थे। अच्छा मतलब यहाँ पे कुछ गलत हिसाब हो गया मतलब। अच्छा कोई बात नहीं यार, ठीक है यार मैं चले जाता हूँ। अरे हाँ चले जाओ।
हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जिसको पाल पोस के बड़ा किया इन लोगों को, इन लोगों का कोई सहारा नहीं था, मैंने इनको सहारा दिया, उन लोगों ने मेरे साथ आज ऐसे बर्ताव किया है। अरे चले जाना चुपचाप से, तू कहाँ आ रहा है देखने के लिए? ए, मैं देखने आ रहा हूँ कि चोरी वोरी तो नहीं करेगा। मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ शिंचन, बत्तमी सब बात मत कर, बहुत हो गया तेरा। फ्रैंकलिन अब हमारे से बत्तमी से बात मत कर, भाई सब तेरा घर नहीं है ये। यार एक बात बताओ, तुम्हें मैंने पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारा मैंने सब खर्चा उठाया, सब कुछ किया, तुम्हारा कोई सहारा नहीं था, तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं थे और मैंने तुम्हें सहारा दिया। चौप शिंचन सुन रहे हो ना तुम? अबे आबे क्या 10 बार सुना दिया तूने हमें ये चीज, भाई गिनवा क्यों रहा है? अगर तू अच्छा काम कर रहा है तो, हमने बोली थी करने को। वाह भाई वाह, हाँ अच्छा काम करो जिसके लिए और बाद में वो कह दे कि हमने क्यों, हमने बोला था करने को, भाई सब यही तो चीज़ होती है। ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ फिर। अबे जा ना, अबे जा यहाँ से भाई सब, हमने थोड़ी ना बोलता हमें पाल पोछ के बड़ा कर। हाँ हाँ इसलिए इसी दिन के लिए तो बड़ा किया था कि तुम मेरे पे ऐठ हो। शिंचन मेरे को तेरे से उम्मीद नहीं थी। अरे हाँ नहीं थी ना, निकल जाओ यहाँ से, हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि तेरे जैसा भाई हमें मिलेगा। अरे जाओ ना यार। गाइस देख रहे हो ना आप, शिंचन तो यार बहुत ज्यादा बदतमीजी की हद पार करे जा रहा है। अब खाली तू दिमाग भगत भगत खराब मत कर, तू निकल जा, तेरी शकल पता है देखने भी नहीं आ रही है भाई, घिन आ रही है तेरी शकल से। मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, तुम लोग ऐसा करे जा रहे हो? हाँ ठीक है भाई अब हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे भाई मुझसे ऐसा बोल रहा है बताओ गाय। चल शिंचन मैं अपने कुछ सामान लेके जा रहा हूँ। अरे हाँ चले जा, कुछ भी चोरी नहीं हुई चाहिए। गाइस देख रहे हो ना, जिनको पाल पोस के बड़ा किया, जिनको अपना खिलाया अपना समझा, मुझे नहीं पता था कि यार बड़े भाई को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। गाइस अब छोड़ो यार, अब क्या ही कर सकते हैं यार, शिंचन चौप अब मेरे से प्यार तो करते नहीं है। गाइस यार ऐसा भी होता है क्या यार, छोटे भाई ऐसा करते हैं क्या? गाइस मैंने अपना बोरिया बिस्तर तो बांध लिया है, मैं यहाँ से निकलता हूँ और क्या करता हूँ मैं। अब छोड़ो यार, अब तो रिश्ता विश्ता सब टूट चुका है शिंचन चौप से। चले जाओ यहाँ से। अरे हाँ यार जा रहा हूँ शिंचन चौप, फिर मतलब अब कोई रिश्ता दिया ना हमारा? अरे हाँ कोई रिश्ता नहीं है। अबे भाई से बाहर चौ, अबे हाँ अबे फ्रैंकलिन कोई रिश्ता नहीं है। शिंचन चौप तुम एकदम से, तुम्हें हुआ क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया मैं कुछ नहीं हुआ है फ्रैंकलिन भैया, अब क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी आन पड़ी है। अरे ठीक है भाइयों तुम अपना ध्यान रखना, हम जाते हैं। अरे हाँ चले जाओ। और शिंचन चौप मैंने कुछ पैसे भी छोड़ रखे हैं भाई, उनका इस्तेमाल कर लेना। अरे ओ पूरे के पैसे, ये सब कुछ हमारा ही है, तुम्हारे कोई पैसे नहीं थे, हमारे ही ये सब। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं शिंचन, तुम्हारे ही पैसे हैं, चलो यार ठीक है ओके। अरे हाँ चले जाओ यहाँ से, अब कभी बताना। ठीक है भाई शिंचन। हाँ बॉस प्लान सक्सेसफुल हुआ, शिंचन चौप ने ये घर से बाहर निकाल दिया। अरे हाँ सही, सक्सेसफुल हो चुका है प्लान। गाइस यार ऐसे सिचुएशन में यार आप लोग क्या करते हैं यार, आप कमेंट करके जल्दी बताओ यार, कि मतलब जिसके लिए इतना कुछ करो और वो हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी कर देता है। चौप और शिंचन से भाई बिछड़ करके बहुत अजीब लग रहा है अब यार, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बड़े भाई अब माइकल भाई है, मैं माइकल भाई के पास जाता हूँ, अब उनके ही घर में रहता हूँ फिर मैं। गाइस देखना यार मेरे छोटे भाइयों ने यार मेरे को मारने की यार, बताओ यार बॉम्ब फिट कर दिया मेरे घर पे। गाइस देख रहे हो ना आप, क्या ही कर सकते हैं, मुझे तो कहीं खुशी मिलती ही नहीं है। तो गाइस लेकिन यार आप लोग मुझे खुश कर सकते हो गाइस, यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक बार लाइक कर दो, जिससे यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। माइकल भाई, माइकल भाई। अरे हाँ फ्रैंकलिन। माइकल भाई मैं आ जाऊँ? अरे यार तेरे ही घर है, क्या पूछ रहा है? अरे नहीं यार मुझे अब तो डर भी लगता है किसी से पूछने में। अरे हाँ फ्रैंकलिन बोल। माइकल भाई। अरे फ्रैंकलिन परेशान कैसे लग रहा है? माइकल भाई सब कुछ खत्म हो गया। अरे मतलब? अरे माइकल भाई शिंचन चौप ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अरे अरे क्या क्या हो गया फ्रैंकलिन? अरे माइकल भाई शिंचन चौप ने पता है मेरे को मारने की प्लानिंग करी थी। अरे फ्रैंकलिन वो ऐसा क्यों करेंगे? माइकल भाई आप मानो ना मानो, आप यार हमेशा उसका साइड लेते हो, लेकिन यार शिंचन चौप ने मुझे मारने की प्लानिंग की थी। अरे मतलब कैसे? माइकल भाई मेरी बाइक में उन्होंने बॉम्ब फिट किया था और वो चीज़ उन्होंने अपने मुँह से बोली है कि ये क्या किया उन लोगों ने, अब वो नहीं चाहते कि यार मैं उनका बड़ा भाई बन के रहूं। अरे अरे फ्रैंकलिन लेकिन वो ऐसा कर कैसे सकते हैं, तूने उनको पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया। चौप शिंचन, चौप शिंचन। क्या वापस से आ रहे हैं? अरे क्या है? चौप शिंचन। अंकल आपने जैसा बोला हमने वैसे किया। लेकिन हम फ्रैंकलिन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यार अब तो हमने रिश्ता भी तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ दिया, फ्रैंकलिन को बर्बाद किया तूने, लेकिन फ्रैंकलिन को हम सड़क पे ला कर रखेंगे। हाँ बस हम फ्रैंकलिन को सड़क पे ला के रखेंगे। मैं यार उससे रिश्ता तोड़ आया। अरे फ्रैंकलिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माइकल भाई कोई जरूरत नहीं थी माइकल भाई, उसने खुद रिश्ता तोड़ने के लिए बोला इसलिए मैंने रिश्ता तोड़ा है, नहीं तो माइकल भाई मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि ये लोग बच्चे हैं ये लोग समझ जाएंगे, लेकिन माइकल भाई ये बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो मेरे को मारने के पीछे पड़े हुए था, मेरी प्रॉपर्टी के पीछे। अरे फ्रैंकलिन कहीं उन्होंने कुछ दबाव में आके तो नहीं किया? माइकल भाई एक बार को सोचा भी जाए, लेकिन यार माइकल भाई उन्होंने खुद मुंह से बोला है कि यार बॉम्ब मैंने फिट किया था। फ्रैंकलिन एक बार बता तेरे घर में कोई बॉम्ब है ऐसे? नहीं माइकल भाई। तो फ्रैंकलिन उसके पास कहां से आएगा यार, तू भी तो सोच यार। माइकल भाई ये बात सोचने वाली है,
अरे हाँ फ्रैंकलिन, मुझे लग रहा है कि यार शिनचैन चॉप को किसी ने यार ब्लैकमेल किया और धमकाया गया है, जिस वजह से फ्रैंकलिन शिनचैन चॉप ने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है। अरे माइकल भाई, ऐसा हो सकता है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन एक बार शिनचैन चॉप को कॉल लगा के देख। माइकल भाई वो मेरी कॉल नहीं उठाएंगे। अरे फ्रैंकलिन मैं कॉल लगाता हूँ। ये तो माइकल दादा की कॉल है। अरे हाँ माइकल दादा। शिनचैन, हेलो शिनचैन। माइकल भैया कैसे हो? अरे शिनचैन बेटा तू परेशान क्यों है? माइकल भैया मत पूछो। माइकल भैया मैं फोन रख रहा हूँ। शिनचैन बेटा सुन, मुझे मत मारो। अब भाई साहब शिनचैन को छोड़ दे, मत मार भाई मत मार। अरे माइकल भाई मुझे लग रहा है शिनचैन ने फोन काटना भूल गया। मत मारो, अरे लग रही है, मत मारो। माइकल भाई शिनचैन चॉप को कोई परेशान कर रहा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, शिनचैन चॉप को सही में कोई परेशान कर रहा है। हाँ फ्रैंकलिन भी बर्बाद होएगा, शिनचैन चॉप को भी मैं मार दूंगा और फ्रैंकलिन की सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ होगी। सब लोग फ्रैंकलिन भैया की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े होते हैं। अच्छा पुरानी दुश्मनी निभाने आया है तू यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन तू जानता है इसे? अरे माइकल भाई ये मेरे को नीचे गिराना चाहता है हमेशा से, माइकल भाई पहले भी, और अब इसने मेरे को बर्बाद करना चाहा और ये मेरे घर तक आ गया। फ्रैंकलिन तू समझने की कोशिश कर भाई, भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ हाँ भाई हो गया, तेरी ऐसी की तैसी निकल, तूने भाई बहुत दिमाग खराब कर दिया। अरे फ्रैंकलिन बस मार दिया। अरे हाँ माइकल भाई मार दिया, चलो यार मैंने इसको मार दिया, अब मैं अपना हाथ नहा धो लेता हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन मार दिया तो अब नहा धो ले तू। ओके सो गाइस इसको तो हमने खत्म कर दिया, क्या करें? हम नहीं उठ पा रहे फ्रैंकलिन भैया, हमें उठा के ले जाओ, हमें कुछ खिला दो कुछ। अरे अरे माइकल भाई कितनी नौटंकी है ना इनकी। अरे फ्रैंकलिन अपना उपाय अपनाइयो। अरे यार माइकल भाई खामोखा बारिश वाले दिन इनको मारना पड़ेगा। ओ भाई सब कलो एक मार दिया। मेरे मत मारना। अबे ले तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम तभी उठते हो। अरे यार ये क्यों मार रहे फ्रैंकलिन भैया, बहुत बुरा करंट लगता है, एक दिन आपके मुंह पे मारूंगा भाई साहब। अच्छा अच्छा ठीक है ना। अरे फ्रैंकलिन भैया सॉरी, आपसे हमने आज गंदा बर्ताव किया। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता था यार। अरे कुछ नहीं पता था शिनचैन चॉप, मैंने बताया था कि यार तुम्हें कोई दबा रहा है। अरे हाँ मुझे पता है फ्रैंकलिन भैया, तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। हाँ ड्रामे मत करो, तुम्हारे माइकल भैया ही सब कुछ है। अरे हाँ माइकल दादा ही सब कुछ है। अरे फ्रैंकलिन चल। अरे माइकल भाई अब तो गुस्सा कम करो। अरे फ्रैंकलिन कैसे गुस्सा कम ना करूं। सो गाइस यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अरे हाँ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अरे यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जा रहा। हाँ गाइस प्रियांशु ओपी का कमेंट कर देना। अरे हाँ गाइस प्रियांशु ओपी का कमेंट कर देना, मजा आ जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।